नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अतिथि शिक्षकों के भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां, आचार संहिता में भी हो रही है अतिथि शिक्षकों की भर्ती। आवेदन सीमित समय तक भराया जाएगा, तो जो भी साथी अतिथि शिक्षक के इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो साथी नए होंगे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना ना भूलें। तो आइए सीधे नोटिफिकेशन पर आते हैं। जैसा कि आपको ये प्रेस विज्ञप्ति शो हो रहा है, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक के अंतर्गत आपका उच्च शिक्षा संचालनालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में महाविद्यालय में प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक के पद के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं के रूप में अध्यापन कार्य करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27/10/2023, अर्थात साथियों 27 अगस्त 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा अवसर है। इनके वेतन की बात करूं तो 300 रुपया प्रति कालखंड के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा और अधिकतम 4 कालखंड होगा और प्रति माह आपको 31,000 रुपये, अच्छी सैलरी है, 31,200 रुपये प्रति माह आपको वेतन प्रदान किया जाएगा अतिथि व्याख्याता के इस पद के लिए। इसके लिए अलग अलग विषयवार पदों की मैं बात करूं तो देख सकते हो प्राणी शास्त्र के अध्यापक के 1 पद हैं, सहायक प्राध्यापक के 2 पद हैं, गणित विषय में प्राध्यापक के 1 पद हैं, सहायक प्राध्यापक के 1 पद हैं, भौतिक शास्त्र में प्राध्यापक के कोई पद नहीं है, सहायक प्राध्यापक के 2 पद हैं, रसायन शास्त्र में प्राध्यापक के 1 पद हैं, सहायक प्राध्यापक के कोई पद नहीं है, राजनीति विज्ञान में प्राध्यापक के 1 पद और सहायक प्राध्यापक के भी 1 पद हैं, इतिहास में प्राध्यापक के 1 पद और सहायक प्राध्यापक के भी 1 पद हैं, अंग्रेजी में 1-1 पद दोनों में है, साथ ही साथ हिंदी में भी प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के 1-1 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ है। अतिथि व्याख्याताओं के लिए किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं भरे जाएंगे। लोक सेवक की विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। देखिए साथियों, ये जो भर्ती निकाली गई है अप्रैल 2024 तक के लिए अतिथि व्याख्याता के पद पर भर्ती है, तो आपको ध्यान देना होगा ये कोई नियमित पद नहीं है और ना ही सहायक प्राध्यापक की भर्ती है, अर्थात ये अतिथि व्याख्याता की भर्ती है। और आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो याद रखेंगे, ठीक है, तो जो भी साथी इच्छुक है वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे कैसे आपको आवेदन करना होगा, तो साथियों आवेदन पत्र को आपको निर्धारित प्रारूप में, देखिए इसमें वैसे तो कुछ ज़्यादा दिया नहीं है साथियों, ठीक है, बाकी आपको कैसे आवेदन करना है, क्या है, इनसे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल साइट से एक बार ज़रूर संपर्क कीजिए। ऑफिशियल साइट में एक बार वेबसाइट को सर्च जरूर करेंगे। टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और इससे संबंधित विस्तृत जो जानकारी है प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए होंगे भाई हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि सभी प्रकार की शिक्षक से जुड़ी नौकरी या अन्य विभाग की नौकरियों की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों तक प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद।